इस तरह से पीवीसी पाइप पे हमें अच्छी तरह से चारों तरफ से पीवीसी सीमेंट लगाना है। लगाने में हमें बिल्कुल भी कंजूस नहीं करनी है, पीवीसी सीमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ लगाना है हमें। इस तरह से सही से लगाएं इसको, बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर यहाँ कंजूसी कर दिया आपने तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब हम इसमें पानी भरेंगे तो ये लीकेज करेगा और उस वक्त उस लीकेज को रोकना हमारे बस में नहीं होगा। तो इसलिए हम अच्छी तरह से हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पे पीवीसी सीमेंट अच्छी तरह से लगाना है हमें। इसके बाद हमें इस तरह से इसकी अब बॉटम साइड के एंड कैप में हमें इस तरह से फिक्स कर देना है इसको। ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर दें जिससे हमारा पाइप अंदर तक चला जाए ये एंड कैप के, और कोई भी आगे लीकेज की प्रॉब्लम हमें ना हो। चारों तरफ से हमें ध्यान से देख लेना है कहीं पीवीसी सीमेंट अगर कम हो तो उसको लगा देंगे हम वहाँ पे। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है, ये देखिए बढ़िया से हमारा पाइप जो है वो फिक्स हो चुका है एंड कैप के अंदर। अब हम इसमें इसकी टैप की मार्किंग लेंगे, जो हम इसमें टैप लगाएंगे उसके लिए मार्किंग लेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग ले लेनी है ऊपर से, मार्किंग लेने के बाद हम इसमें होल करेंगे इस जगह पे जहां हम अपना टैप लगाने वाले हैं, वहां पे हमें होल करना है। तो उस होल की मार्किंग हम ले लेंगे यहां पे, ये देखिए इस तरह से मार्किंग ले लेंगे। और अब हम ड्रिल करेंगे इस होल यहां पे होल करने के लिए। देखिए मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ और होलसा का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी कैंची से या चाकू से भी कर सकते हैं इसको। देखिए हमने होल कर लिया है यहाँ पे, अच्छी तरह से इसको हम क्लीन कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे हमें इसमें टैप लगाने के लिए। तो टैप लगाने से पहले हमें इसमें अच्छी तरह से पीवीसी सीमेंट लगा देना है। पीवीसी सीमेंट लगाने में हमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। ये देखिए इस तरह से हमें टैप लगा देना है इसमें। इसके बैक साइड में भी हमें पीवीसी सीमेंट लगाना पड़ेगा। ये देखिए इसका जो रिंग है इसको हम लगाएंगे अंदर। ये देखिए हमें पीवीसी सीमेंट लगाने के बाद ये वॉशर लगाना है इसका। ये देखिए इस तरह से वॉशर लगा देंगे और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे जिससे हमारी कोई भी पानी की लीकेज ना हो। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से टाइट कर दिया है इसको। ये देखिए मैंने होल जो इसका अपर कैप है इसका एंड कैप उसमें भी होल कर लिया है मैंने। ये देखिए ये होल क्यों किया है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये देखिए ये होल किया हुआ है मैंने, ये होल क्यों किया है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, अब बने रहिए वीडियो के साथ। ये देखिए मैं यहाँ पे एलिमेंट लगाने वाला हूँ, जो हीटिंग एलिमेंट है हमारा, मैंने इसलिए होल किया था इसके अंदर। अब हीटिंग एलिमेंट लगाने से पहले हमें मार्किंग ले लेनी है इसके, जो तीन स्क्रूज लगाने हैं हमें उसके लिए। तो इस तरह से हम मार्किंग ले लेंगे इसकी, बढ़िया से हमें लेनी है मार्किंग। ये देखिए इस तरह से हम मार्किंग ले लेंगे जहाँ हमें स्क्रूज लगाने हैं इसके, वहाँ भी हम मार्किंग लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने मार्किंग ले ली है यहाँ पे, अब हमें होल करने हैं तो मैं यहाँ पे होल करूँगा स्क्रूज लगाने के लिए। देखिए मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ होल कर लूँगा जिससे हम अपना एलिमेंट जो है वो यहाँ पे फिक्स कर सकें। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे होल करने हैं। एक्चुअल में मैं एक एंड कैप यहाँ पे ख़राब कर चुका हूँ, जो मेरी एंड कैप टूट गई थी वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। होल करते समय मेरी एंड कैप टूट गई थी। तो यहाँ पे एलिमेंट लगाने से पहले हमें फिर दोबारा से पीवीसी सीमेंट का यूज़ करना है जिससे हमारी यहाँ पर कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना हो।
इसके बाद हमें इस तरह से इसमें एलिमेंट लगाना है। एलिमेंट लगाने से पहले वो जो रबड़ है वो आप लगा लीजिएगा इसमें, ये देखिए, ये अच्छे से हमें फिक्स कर देना है यहाँ पे। मैं स्क्रू से टाइट कर देता हूँ इसको, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रूज लगा दिए हैं और अच्छे से टाइट कर दिया है मैंने। मैंने सभी स्क्रूज इसके अच्छे से टाइट कर दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए। मैंने एक वॉशर भी लगाया है क्योंकि स्क्रूज जो थे वो छोटे थे जो इसके होल में पार हो रहे थे, इसलिए मैंने वॉशर का यूज़ किया है। ये देखिए हमारा फिनिश हो चुका है यहाँ पे, एलिमेंट हमने अच्छी तरह से लगा दिया है इसमें। एक हम लेंगे यहाँ पे 110 mm का एंड कैप, इसमें हम दो होल करेंगे हमारे इंडिकेटर्स लगाने के लिए, तो वो मैं मार्किंग कर लूँगा। ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करके दो इंडिकेटर्स लगाऊँगा इसके, जो हमें बताएंगे हमारा वाटर हीट हुआ है या नहीं, और ओवर हीटिंग का भी बताएंगे हमें यहाँ पे कि ओवर हीट हो चुका है। ये देखिए तो मैं इस तरह से मैं मार्किंग ले लूँगा अपने दोनों इंडिकेटर्स लगाने के लिए। अब हमें होल करना है यहाँ पे, देखिए मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आपके पास अगर ड्रिल मशीन ना हो तो आप कैंची से या फिर किसी नोकीली चीज़ से भी होल कर सकते हैं यहाँ पे, स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे होल कर लिए हैं यहाँ पे, दोनों होल करने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इनको क्लीन कर लूँगा जिससे हमें इंडिकेटर्स लगाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अंदर से भी क्लीन कर लूँगा मैं इनको। मैं अपर साइड में ग्रीन इंडिकेटर लगा रहा हूँ, ये हमारा इंडिकेट करेगा जब हमारा पानी पूरी तरह से हीट हो जाएगा अपने टेम्परेचर पे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये रेड वाला इंडिकेटर मैं लगा रहा हूँ, ये हमारा जब एलिमेंट हीट हो रहा होगा, जब इसमें 220 वोल्ट एसी के हम देंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ हमारे एलिमेंट में मतलब हीटिंग हो रही है पानी में। मैं इनको अच्छी तरह से टाइट कर लूँगा यहाँ पे इनके स्क्रूज से, जिससे ये बाहर ना निकलेंगे नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट कर दिया इनको, इसी तरह से मैं ग्रीन वाले को भी कर लूँगा। यहाँ पे दोनों इंडिकेटर्स मैंने फिक्स कर दिए अच्छी तरह से, ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों इंडिकेटर्स को अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे एक मार्किंग और ले लूँगा जो हम पावर कॉर्ड डालेंगे इसके लिए, तो मैं यहाँ पे एक होल करूँगा जिसमें हम अपनी पावर कॉर्ड डालेंगे, ये वाली जो हम 220 वोल्ट एसी से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक इसकी बैक साइड में होल कर लूँगा एक। यहाँ पे मैं मार्किंग ले रहा हूँ इसके अपर कैप में, जो हमें इनलेट लगाना है उसके लिए मैं यहाँ पे मार्किंग ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने मार्क लगा लिया है। अब अपने होल साथ से मैं यहाँ पे एक होल कर लूँगा जहाँ पे हम वाटर का इनलेट देंगे, मतलब पानी जो ठंडा पानी जहाँ से इन करेंगे हम जाएगा हमारा इस वाटर हीटर के अंदर, तो मैं होल साक की मदद से यहाँ पे एक होल कर लूँगा। ये देखिए मैंने एक होल साक की मदद से यहाँ पे एक होल कर लिया है जो जहाँ पे हम अपना वाटर का इनलेट लगाएंगे। तो एक एल्बो मैंने ली है अंदर की साइड लगाने के लिए ताकि पानी हमारा डायरेक्ट हमारे एलिमेंट के ऊपर ना जाए, इसलिए मैंने इसको अंदर एक एल्बो का यूज़ किया है। आप चाहें तो ना करें, कोई इशू नहीं है, बट मैंने इसलिए किया है ताकि डायरेक्ट पानी इसके हीटर पे ना जाके पानी नीचे की साइड जाए और नीचे की साइड जो हमारा गर्म पानी होगा उसमें मिक्स होके पानी ऊपर आएगा, तो इससे हमें इंस्टेंट गर्म पानी मिलेगा। तो ये देखिए मैं एक एल्बो का यूज़ कर रहा हूँ बाहर की साइड से, और साथ ही साथ मैंने इसमें एक छोटा सा 3 इंच का टुकड़ा भी लगा लिया है हाफ इंच पाइप का, जिसमें हम अपना इनलेट का पाइप लगाएंगे। अब मैं इसको चारों तरफ से एक बॉन्ड सेट लगा दूंगा जिससे यहाँ पे जो लीकेज होगी वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे पानी की लीकेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड सेट लगा दूंगा चारों तरफ से अच्छी तरह से, जो हमारी पानी की लीकेज जो है वो ना हो। आपको अच्छी तरह से लगाना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है इसमें।
अगर आप यहाँ कंजूसी करेंगे तो फिर वही पानी की दिक्कत लीकेज की होगी, तो बाद में जाके हमें बहुत परेशानी हो सकती है इसके। तो इसके लिए हमने अच्छी तरह से यहाँ पे बॉन्ड सेट लगा दिया है चारों तरफ से। अब मैं इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो कनेक्टर था उसको हाफ हाफ में कट कर लिया है। मैंने इसको इस तरह से कट किया है जिससे मैं एक छोटी सी एल्बो बना सकूँ। ये देखिए मैं इसको इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दूँगा जो हमारी एक छोटी सी एल्बो बन जाएगी। और ये एल्बो हम कहाँ यूज़ करने वाली है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। मैंने इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है इसको, एक एल्बो की तरह मैंने बना लिया है। इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं एक जो हमने इनलेट लगाया था उसके अपोजिट साइड में एक और होल करूँगा छोटा सा। यहाँ पे एक होल करूँगा मैं, और यहाँ पे होल मैं क्यों करूँगा ये बताता हूँ आपको। इसकी मार्किंग मैं ले रहा हूँ यहाँ पे होल करने के लिए। देखिए इस तरह से मैं एक होल करूँगा जो हमारा इनलेट है उसके नीचे की साइड करूँगा थोड़ा सा, जो हमने इनलेट दिया था उस होल के नीचे की साइड हल्का सा नीचे करना है मुझे ये होल। और यहाँ पर मैं ये जो मैंने एल्बो बनाई थी कनेक्टर की, ये एल्बो मैं फ़िक्स करूँगा। ये एल्बो मैं क्यों फ़िक्स कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा आगे। यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पे होल कर ले रहा हूँ। हमें ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है क्योंकि हमारी जो हमने एल्बो बनाई है कनेक्टर से वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना है। ये देखिए मैंने दोनों इनलेट और अपने जो एल्बो लगाया था ये यहाँ पर फिक्स कर दिया है। यहाँ पर इसके अपोजिट साइड में अच्छी तरह से फ़िक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू का यूज़ किया है, मैंने एल्बो को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। और ये एंड कैप जो मेरा टूट गया था होल करते समय, जो मैं अपर साइड में होल कर रहा था, तो आप भी ध्यान से कीजिएगा ताकि नुकसान ना हो आपका। इसको हम फेंक देंगे साइड में। अब हम इसका अपर एंड कैप लगाएंगे। तो ये लगाने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना होगा। यहाँ पर एक टैप के पास में हल्का सा कट देना होगा जिससे हमारा एंड कैप अंदर की तरफ अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर को है। अगर हम ऐसे फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे हमारी लीकेज बनी रहेगी, लीकेज ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हल्का सा कट लगाना है। तो मैं मार्किंग ले लूँगा, उसके बाद आपको कट करके ये दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हमारा वाटर हीटर बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए चारों तरफ से एकदम बढ़िया अच्छा सा लग रहा है एकदम। अब मैं इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। इसके कनेक्शन बहुत ही इजी हैं, इस तरह से हमें एंड कैप लगानी है। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले पावर कॉर्ड लगाऊंगा इसके अंदर। ये देखिए मैंने पावर कॉर्ड लगा ली है इसके अंदर, हमारा जो 110 mm एंड कैप था उसके अंदर मैंने पावर कॉर्ड लगा दी है। उसके कनेक्शन बहुत ही ईजी हैं। ये देखिए एक जो वायर है हमें कनेक्ट करना है हमारे एलिमेंट के साथ। ये देखिए मैंने हमारे एलिमेंट के साथ जो मेन वायर आ रहा है हमारा 220 वोल्ट एसी का, वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। और साथ ही में मैं एक जंपर वायर लूँगा जो इसके इंडिकेटर के साथ लगा के, और मैंने जो पावर कॉर्ड लगाई है उसमें मैंने एक इंडिकेटर का वायर भी अटैच किया हुआ है। देख सकते हैं आप रेड वाला जो वायर आ रहा है वो एक इंडिकेटर का वायर है, और दूसरे वाले टर्मिनल पर मैंने एक इसका इंडिकेटर का दूसरा वायर और एक जंपर वायर यूज़ किया है। ये देखिए मैंने रेड वाले इंडिकेटर के दोनों वायर एलिमेंट के दोनों टर्मिनल्स पे लगा दिए हैं। इससे हम जब भी इसमें पावर ऑन करेंगे तो हमें इंडिकेट होगा कि हमारी पावर ऑन है। तो मैं यहाँ पे थर्मोस्टेट का यूज़ करूँगा, थर्मोस्टेट लगा के। देखिए थर्मोस्टेट मैं यहाँ पे लगा दूँगा। थर्मोस्टेट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, पानी को ओवरहीट होने से बचाएगा और हमारे गीजर को ख़राब होने से भी बचाएगा। अब हमारा जो पावर कॉर्ड का दूसरा वायर जो बचा हुआ था और हमारे मैंने जो जंपर यूज़ किया था उसके वायर को अटैच कर देंगे और एक इंडिकेटर के साथ। ये देखिए मैंने इंडिकेटर के दोनों वायर अटैच कर दिए हैं, एक वायर पावर कॉर्ड के साथ और दूसरा वायर जो जंपर लगाया था मैंने उसके साथ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पावर कॉर्ड का वायर थर्मोस्टेट के एक साइड लगाना है इन वाली साइड में। ये देखिए मैं इन वाली साइड में एक पावर कॉर्ड का वायर और दूसरा हमारे ग्रीन इंडिकेटर का वायर लगा रहा हूँ इस तरह से। आपको भी इसी तरह से लगाना है अच्छी तरह से। और मैंने जो जंपर यूज़ किया था, जंपर वायर, उस जंपर को हम थर्मोस्टेट की जो आउट वोल्टेज है वहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए जंपर वायर के साथ मैंने एक
इंडिकेटर का वायर, जो ग्रीन इंडिकेटर था उसका वायर भी अटैच किया है। ये देखिए, तो हम थर्मोस्टेट के वोल्टेज आउट जो है वहाँ पे हम लगा देंगे। बहुत ही सिंपल इसके कनेक्शन हैं। अगर कनेक्शन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका डायग्राम आपको दे दूँगा। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, सारे वायर्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। बहुत ही सिंपल से कनेक्शन हैं, कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने रेड इंडिकेटर को डायरेक्ट एलिमेंट के टर्मिनेट पर लगा दिया है और ग्रीन इंडिकेटर को थर्मोस्टेट के दोनों साइडों में लगा दिया है। ये टेप मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, पीवीसी टेप जो होता है, ताकि हमारा वायर जो ना खिंचे और अंदर के वायर हमारे ख़राब ना हो, ढीले ना हो, खिंचे ना नहीं। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे टेप का यूज़ किया है। अभी देखिए, मैं इसको गीजर के अपर साइड में फ़िक्स कर दूंगा, इस कैप को। हमारे सारे कनेक्शंस सिक्योर हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, मैं इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। चारों तरफ मैं इंस्टेंट ग्लू लगा दूंगा अच्छी तरह से। इसके बाद मैं ग्लू गन से इसके चारों तरफ सील कर दूंगा ग्लू स्टिक से। जिससे क्या होगा, हमारा बाई चांस ऊपर से कभी पानी गिर जाए तो हमारे अंदर इसके नहीं जाएगा गीज़र के अंदर, और हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर पानी गया तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से सील कर दूंगा हॉट ग्लू की मदद से। ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पे ग्लू गन से सील कर दिया है, ताकि कभी अगर ऊपर से इसमें पानी वगैरह गिर जाए तो इसके अंदर ना जाए। तो मैंने इस तरह से इसको ग्लू गन की मदद से सील कर दिया है चारों तरफ से। और बाय चांस में कभी कोई दिक्कत होती है तो हम इसे इजीली रिमूव करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये मैंने प्लग से कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर केबल से कनेक्ट कर दिया है इसको। उसके साथ ही साथ मैंने इसको वाटर जो हम ठंडा पानी लेंगे, मैंने वॉश बेसिन से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि और कहीं मेरा पॉइंट था नहीं कनेक्ट करने लायक, तो इसलिए मैंने इसे वॉश बेसिन से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं, इसको मैं पानी भरते हैं। तो मैं यहाँ से चालू कर दूँगा। ये देखिए, मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ इसको। पानी जाना शुरू हो चुका है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अभी पानी जब ये फुल हो जाएगा तो देखिए, साइड से जो ऑरेंज वाली टोटी है यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तब हम अपना प्लग ऑन करेंगे। तो मैं सारा प्रोसेस आपके सामने, ये देखिए पानी भर चुका है, अब हम इसको ऑन करते हैं। अब हम इसका प्लग ऑन करेंगे। ये प्लग ऑन कर दिया है हमने। ये देखिए, इसकी रेड लाइट चालू हो चुकी है, बट उससे पहले मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करा देता हूँ। ये देखिए, इसके ठंडे पानी का टेम्परेचर जो इस समय हुआ है वो आप देख सकते हैं आपके सामने है, 14.3 डिग्री टेम्परेचर जो उसके ठंडे पानी का आ रहा है, आप देख सकते हैं, कोई फेक वीडियो नहीं है ये, 14.3 डिग्री। तो हम चलते हैं, इसको ऑन करते हैं और फिर देखिए, कंटिन्यू ये पानी को हीट कर रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही पानी हीट हो जाएगा, इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और इसमें पावर जाना बंद हो जाएगी, यानी कि ये कट ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारी पावर सेविंग हो जाएगी जब हमारा पानी हीट होगा। तो हमारा एलिमेंट जो है वो हर समय हीट नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारी लाइट की बचत होगी और हमें पानी भी गर्म मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं, कंटिन्यू मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ। विद इन 2 मिनट के अंदर ये पानी पूरा हीट कर देता है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें पानी हीट होना शुरू हो चुका है, और ये देखिए आप टेम्परेचर आप देख सकते हैं अपने सामने, पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये लास्ट 65 डिग्री पे जाके ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, पानी कंटिन्यू गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, और मैंने पानी को थोड़ा सा स्लो खोला है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ चाहिए पानी नहाने के लिए तो आप थोड़ा तेज़ खोल सकते हैं, इससे आपको कंटिन्यू गर्म मिलेगा। देख सकते हैं, हमारा पानी पूरी तरह से गर्म हो चुका है और हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, रेड लाइट बंद हो चुकी है। इसका मतलब हमारा एलिमेंट जो है इसमें लाइट जाना बंद हो चुकी है, एलिमेंट हमारा बंद हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको टेस्टिंग करता हूँ, दिखाता हूँ इसकी पानी का टेम्परेचर कितना हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, इसके पानी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हॉट हो चुका है। ये देखिए, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ,
और ये मैंने टैप वहाँ से खोल दिया है, इसलिए थोड़ा सा कम है, वरना 65 डिग्री तापमान इसका जा चुका था। तो आपको अगर थोड़ा कम पानी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, और आपको अगर नहाने के वगैरह के लिए पानी चाहिए तो उसको टैप बंद कर देंगे तो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टैप को आप थोड़ा तेज़ खोलेंगे तो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और आपको ज़्यादा तेज़ पानी मिल जाएगा। ये देखिए पानी का टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अट्ठावन डिग्री टेम्परेचर, ये देखिए पानी जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ हमारी रेड लाइट ऑन हो गई और पानी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी इतना गर्म पानी आप भाप निकलती हुई देख सकते हैं। ये देखिए कितना गर्म पानी है। तो हमें थोड़ा स्लो पानी मिलेगा, आप अपने हिसाब से बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बंद कर देंगे, हमें थोड़ा तेज़ पानी चाहिए होगा तो यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से हमारी जो इसके अंदर भाप बनेगी पानी गर्म होते समय वो भी निकलती रहेगी और आपको गर्म पानी भी मिलता रहेगा। ये देखिए